ये जो दूध है हमारा सेना मिठाई के लिए, ये गर्म हो चुका है, तो अब इसको ब्रेक करेंगे। अब इसको बेकिंग सोडा, लेमन जूस या टाटली से कर सकते हैं। और ये दूध के अंदर टाटली डालेंगे लगभग तकरीबन 10 ग्राम पानी में घोल के, और दूध को इस तरह से चलाते रहेंगे ब्रेक करने के लिए। और दूध में थोड़ा टाटली का पानी डालेंगे। और इस तरह से जो दूध है वो फट चुका है। फटा हुआ दूध को छानने वाला छन्नी पे डालेंगे, जिससे कि इसका पानी अंदर चला जाए और जो छेना है वो मिठाई बनाने के लिए बाहर रहे। ये इस तरह से डाल लेंगे, बंद कर लीजिए। छेना बना पांच से दस मिनट तक हम इसको रगड़ेंगे। और छेना को ब्रेक करने के बाद ये एक किलो शक्कर ले लिया हमने फ्राई पैन में, और इसको गला के चाशनी बना लेंगे। और जैसे ही ये शक्कर गल जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, और शक्कर को हम पानी डाल के कुछ देर उबलने देते हैं। दस मिनट तक शक्कर को उबालने के बाद ये चाशनी हमारा तैयार है। इसको और आधी चम्मच चाशनी में मैदा घोल के डाल देंगे, जिससे अच्छे से झाग आए और हमारा मिठाई अच्छे से ऊपर फूल जाए। चाशनी जब तक हमारा बन रहा है, ये हमने छेना ले लिया है और इसमें डालेंगे हल्का सा ये हरा कलर, ये कलर डाल के कलरफुल राजभोग बनाएंगे, जिसके लिए ये कलर मिक्स कर लेंगे, कलर को मिक्स कर लेंगे छेना के साथ। इस तरह से छेना के साथ कलर मिक्स कर लेंगे। और ये हरा कलर करने के बाद ये छेना ले लेंगे और इस छेना में डालेंगे कॉफी कलर, ये हल्का सा कॉफी कलर, और इसको मिक्स कर लेंगे कलर को छेना के साथ। इस तरह से कॉफी कलर को मिक्स कर लेंगे। उस तरह से कॉफी कलर को मिक्स कर ये हरा कॉफी कलर तैयार करने के बाद छेना पे डालेंगे ये लाल कलर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। लाल रंग इस छेना में मिक्स कर लेंगे। कलर बनाने के बाद ये सैफ्रॉन कलर बना लेंगे, जिससे कि जो हमारा मिठाई है वो
कलरफुल दिखे, इसके लिए सैफ्रॉन कलर। और ये कलर करने के बाद इसको दो हिस्से में बना लेंगे और इसको गोल गोल इस तरह से दोनों हाथ के मदद से बना लेंगे। इस तरह दोनों हाथ के मदद से गोल गोल करके एक प्लेट में रख देंगे। इस तरह से ये सैफ्रॉन कलर के बाद ये हरा कलर और हरा कलर के बाद ये कॉफी कलर। और कॉफी कलर के बाद ये रेड कलर, लाल कलर भी बना लेंगे। ये हमारा अलग अलग कलर हो गया, बंद कर दीजिए। ये सारे मिठाई बनाने के बाद इस चाशनी में डाल देंगे, अलग अलग कलर का मिठाई। और गैस जो है हमारा वो फास्ट रखेंगे जिससे कि ये अच्छे से फूल सके। ये सारा मिठाई डाल के इसको उबलने देंगे 10 से 15 मिनट। इस तरह से बीच में चलाते रहेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको चलाते रहना है और गैस को मीडियम रखना है, नहीं तो चाशनी जो है बाहर फेंक देगा, और नहीं चलाएंगे तो भी चाशनी बाहर फेंक देगा। और ये तैयार हो चुका है राजभोग। इसको एक बर्तन में एक एक करके निकाल लेंगे। और ये चाशनी आधा हमने रख लिया था एक बर्तन में, वो इसके अंदर डाल लेंगे।